है छोटी सी पत्ता गोभी, तो इसको डालेंगे जो सो हे गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो अचानक से मेरा मोमो खाने का मन हो गया, तो चलो बनाते हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और मैं बाहर का नहीं खाती हूँ तो मैं घर में ही बनाती हूँ, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से मैं बनाती हूँ, तो लेट्स गो। सो फ्रिज में है छोटी सी पत्ता गोभी, तो इसको डालेंगे ज़रूर, क्योंकि मोमो में इसके बिना टेस्ट ही नहीं आता। तो इसको ले लेते हैं, इसको रख देते हैं, फिर लेते हैं, इसको रख दिया मैंने। एंड अब हम लेंगे सो ये है चाकू जिसे हम चॉप करेंगे, थाली जिसमें हम रखेंगे, तो डन। सो गाइस मोमो की स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे काट लिए हैं, और यहाँ पे है ये, सो ये है हरी मिर्च, एंड ये है प्याज, और ये है पत्ता गोभी जिसको देखते ही खाने का मन हो गया था मोमो। एंड तब तक मैं मैदा गूंद लेती हूँ। सो गाइस मोमो के लिए मैदा भी तैयार हो गया है, और ये मैंने गूंदा और ये पूरे हाथ में तेल लग गया मेरे, तो ये रेडी हो गया है। एंड अब बारी है इसके स्टफिंग को तैयार करने की। लाइटर ख़राब हो गया इसलिए माचिस से जलाना पड़ रहा है। डाल दिया मैंने कढ़ाई, दो चीज़ों से फ्राई करूँगी, यानी कि ऑयल भी एंड रिफाइंड भी, दोनों यूज़ करूँगी। रिफाइंड रिफाइंड डल गया है, एंड अब मैं डालूँगी सरसों का तेल। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सरसों का तेल, तो जब तक तेल गर्म होता है वेट करूँ। मैंने मैं जीरे का तड़का दूंगी पहले, क्योंकि मेरा जीरा बहुत फेवरेट है, तो एक चुटकी ही डालूंगी, ज़्यादा डालूंगी तो बहुत अजीब टेस्ट आएगा, कड़वा सा। ये मैंने डाल दिया जीरा, डालूंगी मैं हरी मिर्च। पहले गैस को स्लो कर लेते हैं, जल रहा है। इसको यहाँ लगा दे रहा हूँ, देख लो इसको हमेशा ऐसे करना। तो ये मैंने डाल दी हरी मिर्च, पानी में भीगेगा और नीचे गिरेगा तो खराब हो जाएगा, नहीं तो ये 3-4 साल चलेगा। एंड ये डाल दी हमारे कटे हुए प्याज, अभी कोई जीरा नहीं लगाने वाली। एंड अब इसको ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक भूंजेंगे। सो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो अब मैं टाइम लैप बना रही हूँ, तो अब आप टाइम लैप देखो। You hurt me deep, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh. सो अब बारी है मोमो बनाने की, तो ले लिया है मैदा एंड लगाया है थोड़ा सा रिफाइंड ताकि चिपके ना। एंड अब इसको मैं बेल रही हूँ।
मतलब अब मैं एक चम्मच स्टफिंग डालूंगी मोमो की, थोड़ी सी कम थी इसलिए एक्स्ट्रा डाली है। एंड अब बनाएंगे मोमो। सो ये मोमो बन गया है इस तरीके से। एंड इसी तरीके से हम और मोमोज बनाएंगे। हमारे मोमोज रेडी हो गए हैं एंड अब बारी है इनको भाप में पकाने की। सो ये हैं हमारे मोमोज। अगर एक होता तो मैं मोमो बोलती, बट इतने सारे हैं तो इसलिए मोमोज। एंड ये जो अजीब शेप वाले दिख रहे हैं ना, वो मेरे लिए हैं क्योंकि मुझे अजीब शेप वाले अच्छे लगते हैं। सो ये स्टील वाली छन्नी बोलते हैं हम इसे, और इसी में बनाते हैं क्योंकि स्टैंड नहीं है, अभी लिया नहीं है। एंड अब इसको हमने चढ़ा दिया है एंड अब वेट करते हैं थोड़ा इसको पकने का। तो ये हो गया एंड मम्मी ने ढक दिया। एंड ये है हमारे मोमोज। तो ये है मोमोज एंड ये है चटनी। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है एंड इसको खाते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।